सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप पेटीएम पर टी पिन कैसे लगा सकते हैं, टी पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम मनी पर आप बाई यहाँ पर शेयर बाई सेल करते हैं तो आपको टी पिन जनरेट करना होगा। उसी के बाद गाइस आप टी पिन की मदद से एक बार आप जनरेट कर दोगे तो उसके बाद बाई सेल कर सकते हैं उस शेयर को। तो इसके लिए आपको जगह वीडियो अंत तक देखना, और अगर गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। टी पिन कैसे आपको जनरेट करना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेटीएम मनी पर जाना। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे आप इस पर जाओगे तो उसके बाद स्टॉक पर जाता हूँ। स्टॉक पर जाने के बाद टी पिन जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर कोई सा भी एक शेयर पर क्लिक करूँगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो सेल का ऑप्शन मिलेगा, तो सेल के ऑप्शन पर मैं चेल ले जाऊँगा और NSBSF पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सेल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर गेट टी पिन, यानी हमारा टी पिन अभी जनरेट नहीं हुआ, तो वेरीफाई यूज टी पिन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कैसे करना स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना, उसके बाद आप भी सीख जाओगे। तो उसका थोड़ा लोडिंग लेना। यहाँ पर आपको बता रहा है कि टी पिन जनरेट कीजिए, बट मेरे पास टी पिन नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक हर पे क्लिक करूँगा टी पिन जनरेट करने के लिए। तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आना, यहाँ पर अपनी एंटर BOID लिखना और एंटर पैन कार्ड अपना लगाना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं लगा देता हूँ। उसके बाद डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना। मेरा पैन कार्ड इनवाइल बता रहा है, उसके बाद मेरा पैन कार्ड मैंने सही डाल लिया, वापस रॉन्ग बता रहा था। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइस अभी यहाँ पर दो जगह आपका मिल जाएगा, तो यहाँ पर OTP आपको डालना है। अभी एक आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में जाएगा और एक ईमेल पे जाएगा। तो यहाँ पर मेरे अभी यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आ गया, यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली टी पिन जनरेट हो गया, ठीक है गाइस। और उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा अपने यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज, जो मेरे ऊपर अभी आ चुका है। तो अभी मेरे एक टी पिन का मैसेज आ चुका है और मेरा टी पिन मुझे मिल गया है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइस हम टी पिन कर सकते हैं। अब क्या करना है, प्लीज़ बैक टू लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे लॉगिन पर क्लिक करोगे यहाँ बैक हो जाएगा और अपनी बायो आईडी और पेन अभी बता रहा है। तो वेरीफाइड टी पिन पे वापस क्लिक करना है और यहाँ पर वो जो पिन आए वो डाल देना। मैं डाल के जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक OTP आएगा जो आपके जीमेल या मोबाइल नंबर किसी पे भी आएगा, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए होता है। तो मेरा आ चुका है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हो गया। अब मैं इस शेयर को यहाँ से सेल करूँगा, तो मेरे को बिना विदाउट पिन के ये मेरा शेयर यहाँ पर सेल हो गया। मैं सेल पे क्लिक किया और यहाँ पर टी पिन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने टी पिन यहाँ पर पहले ही सक्सेसफुली कर रखा है। तो इस तरह से गाइस आप टी पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद गाइस आपका यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कर।